चीन विस्तारवाद में पड़ा हुआ है और उसके हाथों से बड़ी बड़ी कंपनियां निकलती जा रही है। जमीन के मामले में तो आप चीन की नीति को जानते ही होंगे। तभी हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी कि SCRI के शुभारंभ के लिए विचार विमर्श शुरू कर दिया है, ताकि चीन पर से निर्भरता को कम किया जा सके। और साथ ही साथ अब इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मामले में एक समझौता होने के बाद आसियान के विभिन्न देशों के लिए भी इस पहल में शामिल होने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो चीन को हर जगह से बस ठोकर ही मिलेगी। अब इन्हीं सब के बीच चीन के कारोबारी मामले में जापान फिर एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है, जो भारत के लिए एक फायदे का सौदा होगा। दरअसल जापान की दो कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से भारत में शिफ्ट होने के लिए जापान इन कंपनियों को सब्सिडी देने को भी तैयार है। ये दो कंपनियां टोयोटा सुशो और सुमिदा है। टोयोटा सुशो भारत में एक रेयर अर्थ मेटल यूनिट लगाने की तैयारी में है, जबकि सुमिदा कंपनी ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट का बिजनेस करेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार के सूत्रों ने कहा है कि भारत की तरफ से सिर्फ इतनी ही कोशिश की गई थी कि इन कंपनियों को भारत लाया जा सके, लेकिन जापान ने इस डील को और आकर्षक बनाने के लिए इन कंपनियों को सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। जापान ने कहा है कि वह उन जापानी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करेगा जो चीन के बजाय भारत में अपना सामान तैयार करेंगी, और इन कंपनियों की वजह से भारत में स्वदेशीकरण की मात्रा बढ़ेगी और ये कंपनियां न केवल भारत के लिए प्रोडक्शन करेंगी बल्कि बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करेंगी। देखा जाए तो जापान की 25 से 30,000 कंपनियां चीन में बिजनेस कर रही हैं, वहीं भारत में ये आंकड़ा 5 से 6,000 के बीच में है। वहीं जापान 2 अरब डॉलर की मदद उन कंपनियों को देने की बात कर चुका है जो चीन से अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जापान या तो फिर अन्य देशों में शिफ्ट करेंगी। और भारत में इन कंपनियों के आने से गाड़ियों के लिए जो कंपोनेंट पार्ट्स में जो हमें चीन से लेने पड़ते थे, अब वो भी भारत में बनाया जा सकेगा, जिससे चीन पर से निर्भरता कम होगी। यहाँ इशारा साफ है, जब ये कंपनियां भारत में पार्ट्स बनाएंगी तो ये कंपनियां बहुत से और पार्ट मैन्युफैक्चरर्स को भारत में लेके आएंगी, जिससे भारत का आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सकेगा और भारत मेड इन चाइना को कुचलते हुए आगे निकल जाएगा।